आखिर आज ऐसा तो क्या होता है कि मुझे ड्यूप करने पड़ते हैं फुल सल्कर ब्लॉक ऑफ नेदराइट इन लापता एसएमपी। तो आज से अराउंड 2 महीने पहले हम लोगों को पता चलता है मैट्रिक्स के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता मैट्रिक्स कौन है, तो मैट्रिक्स हमारे ही एसएमपी में से कोई एक बंदा है जो कि सभी को रैंडम टास्क देता रहता है। तो जब मैं अपने मेल्स चेक कर रहा था, तब मेरे को एक मेल आता है मैट्रिक्स की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था ये एक बेस के कोड है, इस बेस पर जाके तुमको एक घोड़ा मिलेगा, उस घोड़े को तुम्हें मारना है एंड रिप्लेस एंड करना है इस मेल पर, एंड उस बेस की लूट तुम लोग रख सकते हो। जब मेरे को ये बेस के कॉर्ड मिले थे, तो तब मेरे को लगा था कोई तो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है एंड यहाँ पर ट्रैप होने वाला है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ट्रैप हुआ तो मैं अकेले नहीं मरूंगा, मैं अपने साथ पीएसडी वाई एंड दीपू वाई को भी लेके चला गया, एंड वहाँ पर सही में बेस निकलता है। ये चिंदी चीजें की चोरी कर रहा हूँ, ये ड्रैगन के हेड है, इधर ले लेता हूँ। सल्कर ही रखते, ओह ये इसके अंदर एक सल्कर, ये सल्कर मिल गया भाई पूरा एक, लेट्स गो। मुझे एंड चेक करने दो, इधर भी एक ड्रैगन हेड है भाई, ना ये कहने का मन नहीं कर रहा है ये। अच्छा भाई, अरे जल्दी करो भाई, वो आवा गया तो होगी, बच जाएंगी, काम नहीं होगा एम का। दीपू भाई आप घोड़े को ठिकाने लगा दो, लैपिस नगर में लूट रैक ट्रैक। दीपू भाई ये इनविज हो रखा है आपका घोड़ा, ये मर गया, खुद ही मर रहा है, वेट व्हाट द हेल, मर गया वो खुद ही। तो ये घोड़ा मेरे से यहाँ पर गलती से मर गया, पर इसे वैसे ही मारना था, तो मैंने क्या करा, इसको मार के फटाफट से रिप्लेसेंट कर दिया एंड देन सोने चला गया। और जब मैं अगले दिन आके देखता हूँ, तो मैंने क्या देखा, मैट्रिक्स चैनल पर उस रिप्ले की वीडियो डली हुई है। मतलब ये क्या, व्हाट द हेक, इस मैट्रिक्स ने मेरे को मैट्रिक्स बनाया। तो मैं इसके पेज पर फटाफट जाता हूँ एंड टाइप करता हूँ कि तू कौन है, तूने मेरे से ये काम क्यों कराया। तो उधर से एक रिप्लाई आता है कि अगर तेरे को मेरे से मिलना है तो तेरे को 2 में से 1 काम करना होगा, पहला कि अपने टीममेट PhD1 को बिट्रे करना पड़ेगा, या फिर एक सल्कर ब्लॉक ऑफ नेदराइट मुझे देना होगा। अबे ये आजकल के छपरी बेरोजगार चप्पल चोर भिखमंगे मैट्रिक्स नाम के बंदे चड्डी गैंग को तोड़ने आते हैं क्या, इन लोगों को लगता है ये लोग चड्डी गैंग को तोड़ सकते हैं। ये सही में मजाक था एंड यहाँ पर मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, फुल सर्कल भर के नेदराइट ब्लॉक। तो भी आप लोग बोलेंगे ये पॉसिबल कैसे, लापता एसएमपी में एक ग्लिच है जो कि हम लोगों ने फाइंड किया था, जिसकी वजह से हम लोग ड्यूप कर सकते हैं, पर इसकी जो सजा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे उससे बच के ड्यूप करना पड़ेगा। तो वो ड्यूपिंग मैं पीएसजी के साथ नहीं कर सकता क्योंकि वो बिजी है, तो अभी यहाँ पर मैं ड्यूपिंग करूंगा दीपू भाई के साथ, एंड कैसे वो भी आप देखना। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 150 के सब्सक्राइबर्स पे, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, वहीं पर हो ना आप। हां बोले हेलो हेलो, इधर 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 इधर, हेलो हेलो, जाओ। आपको मैट्रिक्स के बारे में जानना है, कौन है मैट्रिक्स? आपको भी नहीं पता होगा? नहीं एक्चुअली मुझे पता चलने वाला है, बस एक छोटा सा काम करना है हम लोगों को। कैसे कैसे पता चले? तो मैट्रिक्स ने मेरे से बोला है कि या तो मैं आपका बेस फोड़ दूं या फिर उसको एक साल का नेदराइट ड्यूप करके दूं। हेलो बेस, और आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो क्या आपको पता है कि सेंटावे का बेस किसने फोड़ा था? मैट्रिक्स ने ना, वो मैट्रिक्स उस समय पे मैं ही था, उसने मेरे को ही बोला था फोड़ने के लिए। हेलो आपने फोड़ा था? यस, उसने मेरे को खुद ने कॉर्ड दिए थे कि इस कॉर्ड पे देखो सेंटा का बेस मिलेगा, और अभी उसने मेरे को कॉर्ड दिए हैं आपके, और उसने मेरे को 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो ये बेस फोड़ दो या फिर सल्कर में नेदराइट ड्यूप करके दे दो। तो मेरे को लगता है कि सर में अगर हम लोग ड्यूपिंग कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम लोग ड्यूपिंग करके दे, इसीलिए मैं आपके पास आया। बट ड्यूप कैसे करोगे, वो तो बंद हो गया था। नहीं सर में अभी भी ड्यूपिंग है, प्लगइन चेंज नहीं हुआ। यस मेरे पास 9 नेदराइट किंगट है ये रे, तो अभी बस मेरे को इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूं पहले एंड ये दो। देखो अगर मेरे को एक सल्कर को पूरा फुल नेदराइट में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को उसे 12 सरों का हम लोग को रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक सल्कर भरने के लिए एक ब्लॉक से। ठीक है, अभी मेरे पास एक सल्कर है, वो मतलब एक नेदराइट का ब्लॉक है एंड रिस्पॉन पॉइंट सेट कर रखा है, एंड थोड़ी देर बाद सर्वर रिस्टार्ट होएगा, मेरे को बैन कर दो अभी। मैं तो मार देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। रिस्टार्ट हो गया, रिस्टार्ट हो गया, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है ज्वाइन करो, अगर ज्वाइन नहीं हुआ तो भाई। ओके ओके हो गया, ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हो गया। यस इधर, यस रिस्पॉन, यस येरा नेदराइट का ब्लॉक है आपके पास? हाँ मेरे पास है, दो दो दो। ये लो ब्लॉक फॉर रियली हार्ड, व्हाट नेदराइट का ब्लॉक चीज सोल सैंड नहीं। अरे अरे गलती तो दे दिया, ये लो। ओके ओके ठीक है, अपने पास 2 हो चुके अभी। तो यस फाइनली मैंने 1 को जबल कर दिया था एंड ये सक्सेसफुली हो भी चुका था, इसका मतलब सर्वर में ड्यूपिंग तो हो रही थी। एक्चुअली मैं भी श्योर नहीं था पूरा, पर मुझे अभी भी 11 बार और ड्यूप करना है पूरा सल्कर भरने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना बिग ब्रेन लगाता हूँ, वही वाला जिस समय पर PhD1 के लिए हट ड्यूप करे थे। मैं उसको जाकर बोलता हूँ सर्वर लैग हो रहा है, प्लीज सर्वर के कर रिस्टार्ट कर दो, एंड देन मैं बैन होता हूँ, सर्वर रिस्टार्ट करवाता हूँ। 2 से 3 बार मैंने ऐसा करके एंड फिर मैंने बोला उसको कि मैं लापता एसएमपी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अभी के लिए, मेरे को ये वाली पेंटिंग
सर्वर में डलवानी है और मुझे एक एक करके पेंटिंग देता ताकि सर्वर ज्यादा बार रिस्टार्ट हो सके। और ये सब करने में मेरे को 2 दिन लग चुके थे एंड दूसरे दिन शाम को फाइनली मेरे पास हो चुका था पूरा सल्कर बॉक्स भर के नेदरराइट। तो ये रहा वो इलीगल सल्कर जिसके अंदर पूरे में ब्लॉक ऑफ नेदरराइट है, बट इसमें भी 19 जो है वो कम है। तो लास्ट टाइम हमने 19 को ड्यूप किया था तो दीपू भाई के पास है 19, जो कि दीपू भाई ने स्टीवी के ढाबे पर रखे हुए नए बैलेंस पॉइंट, मतलब वहां से जाके मेरे को वो लेना है। तो पूरा सल्कर मेरा ब्लॉक ऑफ नेदरराइट से हो जाएगा। तो इससे आगे बताने की मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने मेरी फेसबुक वाली वीडियो में देखा होगा कि इस इलीगल सर्कर को निज गेमर ले लेते हैं। इसके लिए मैं हिमाचल जाता हूँ एंड उनकी अंडर चेस्ट में देखता हूँ तो वहाँ पर ये सर्कर नहीं था, तो मैंने इनकी अंडर चेस्ट को ही खाली करके अपने पास रख लिया था। तो अभी ना चाहते वो भी मेरे को निज गेमर से पूछना पड़ता है कि मेरा सर्कर कहाँ पर है। हेलो हेलो, मेरे को मेरा सर्कर वापस चाहिए जो आपने लिया था। मेरे को मेरा सामान वापस चाहिए जो आपने लिया था। मुझे पता था आप उसके बदले सामान मांगोगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहाँ पर देना सामान? आपने जिस तरीके से मेरा सामान निकाल के मुझे उसी तरीके से मैं भी आपको तड़पाना चाहूंगा। तो मेरे प्रिय लैपिस, आपको आपका शल्कर के लिए मैं हिंट दूंगा, तो आप ढूंढते रहो फिर आगे। तो हिंट कब मिलेगी मुझे? कल सुबह 9:30 बजे। हेलो निज गेमर, स्टार लैपिस। यस, मेरी हिंट तो मेरे को। रुको, आता हूँ एक सेकंड। फेंक दूं ऊपर से? ये रही आपकी पहली हिंट, ठीक है? बाय बाय। The failed Japanese revenge? What? अरे कुछ बता के तो जाओ, क्या क्या इसका मतलब क्या है? बता के क्या जाए, पूरा पहाड़ा लिख दूँ क्या, कोऑर्डिनेट लिख दूँ? अच्छा ये तो बता, हिंट कितनी रहने वाली है? इसी हिंट पे मिल जाएगा? नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना भाई। एक सेकंड, मेरे को एक चीज नहीं समझ रही है कि द फेल्ड जापानीज रिवेंज का मतलब क्या हुआ। हम लोग लापता में खेल रहे हैं भाई, कौन से जापान में पहुंच गए हम लोग? मैं गूगल पे कभी सर्च करता हूँ द फेल्ड जापानीज रिवेंज, ठीक है? क्या करा वो आइटम कहीं छुपा दिया, उसके बाद मेरे को एक हिंट दिया द फेल्ड जापानीज रिवेंज, इसका क्या मतलब हुआ कुछ पता चल रहा है तेरे को? A few moments later. हाँ वो जो मशीन है। अबे वेट, व्हाट? डीओपी ने तो भाई फटाक से बना दिया। ओके ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, ये ना इधर एक मशीन बनी थी भाई, इसका मतलब यही पास ही में है क्या वो? ब्रो यही तो उन्होंने हिंट दी और यहीं पर है वो। एंड जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझ रहा है मैं उनको बता देता हूँ कि इसका द फेल्ड जापानीज रिवेंज से क्या लेने देना है। तो निज गेमर ने 2 मशीनें बनाई थी एंड जब ये 2 मशीनें चालू करी थी उन्होंने एक जापानीज में वर्ड बोला था फुकुसू, और उसका मतलब होता है रिवेंज। एंड जब वो मशीनें चलाई थी तब वो फेल हो गई थी उनके एनिमीज को मारने में, एंड शायद इसीलिए उन्होंने इसको द फेल्ड जापानीज रिवेंज लिख दिया। देखो अगर यहाँ पर नहीं हुआ ना तो एक और जगह है जहाँ मेरे को मिल सकता है। ये रहा मैं एंड ये रही वो मशीन, एंड यहाँ पर नीचे तो इसका अंदर ये वाली मशीन पर नहीं है। ओके, अपने पास एक और मशीन है जहाँ पर उनके पास जो फुकुसू मशीन थी 2 थी, एक ये वाली है एंड एक और मशीन। अब सेकंड वाली मशीन के पास चलते हैं फटाफट से, एक जब तक चेस्ट चेक करते हैं। नहीं इधर नहीं है, कहाँ जैसे मिल सकता है देखो। ओके तो ये रहा एंड फटाफट से चेक करते हैं। व्हाट, इधर भी कोई भी सल्कर नहीं रखा हुआ भाई, इधर कोई भी सल्कर नहीं है, मैं क्या करूँ अभी? ठीक इधर हो, वेट व्हाट, नहीं नहीं एक सेकंड वेट, ये तो फुकुस मतलब मशीन है ना, और 2 है जो फुकुसू प्लेस है। हम लोग जब वो फुकुसू फेल हुआ था ना तो हम लोगों ने, मैं PSDY और उसमें जब थे तो फेल हुआ था, हम लोगों ने एक फुकुसू प्लेस बना दिया था, मतलब उसको फुकुसू नाम से कहते थे, जो कि इधर से एक एरो आता है एंड उधर से एक एरो आता है, तो यहाँ पर आके वो दोनों एरो लगते हैं इस जगह पर, इस वाले प्लेस पर, एंड यहाँ पर इसी प्लेस पर ये वो प्लेटफॉर्म है, फुकुसू प्लेटफॉर्म या प्लेस कह सकते हैं हम लोग इसे। ओ वेट व्हाट, इतना इजी था कैसे ढूंढना? लेट्स गो, अपने को फाइनली सल्कर मिल चुका है एंड अभी हमको पता चल सकेगा कि मैट्रिक्स कहाँ पर है। ओ मिल गया, लेट्स गो। व्हाट, अबे इधर वो क्या है? थिंक अबाउट विंग रिच विद ट्रेजर, इसका क्या मतलब हुआ यार? इतने हिंट के बाद मेरे को मेरा वो सल्कर मिलेगा? पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, थिंक अबाउट विंग रिच विद ट्रेजर, ट्रेजर के साथ अमीर होना। तो यहाँ पर ट्रेजर 2 ट्रेजर, एक PSDY का ट्रेजर एंड एक M का ट्रेजर, मतलब एक मैट्रिक्स का ट्रेजर था जब PSDY ने एंड में जाके निज गेमर को पकड़ा था, तो ये इलीगल सल्कर था बैंड ट्रेजर, तो वो एक ट्रेजर था जो कि बैंड ट्रेजर था एंड इलीगल ट्रेजर था जिसको मैट्रिक्स ने ले लिया था, उसके बाद से ही हमको मैट्रिक्स के बारे में पता चला था। अब ऐसा क्यों लग रहा है ये सारी हिंट मैट्रिक्स ने बनाई है भाई, निज गेमर ने नहीं बनाई? ओके तो मैं नेदर के अंदर तो आ चुका हूँ एंड बस मेरे को अभी जाना है उस बैंड ट्रेजर के पास।
ओके पहुंच गया मैं वहीं पर एंड यही तो है वो स्कैफोल्डिंग वगैरह जो लगी हुई थी एंड इसी के यहीं कहीं नीचे था मैं एक फायर एक्सेप पोशन मार देता हूं वेट ओके एंड इसी के नीचे जाना है मेरे को पहुंच गया मैं और यहां व्हाट द हेक ये आर्मर स्टैंड हवा में कैसे उड़ रहे हैं ब्रो और ये चेस्ट जिसके अंदर भी हिंट है भाई सल्कर कब मिलेगा मेरे को मेरा इसके अंदर कॉड है सीधा क्या मेरे को 00 पे मेरा सल्कर मिलेगा तो अपना जो वर्ल्ड का स्पॉन है अपने को वहां जाना है मतलब 00 कोऑर्डिनेट्स पर फटाफट से यहां से चलते हैं एंड सीधा मैं आप लोगों को 00 पे पहुंचने को आज मिलता है एंड देखता हूं क्या मेरे को वहां पे मेरा सल्कर मिलेगा एंड मिल गया होगा तो आज तो भाई मैट्रिक्स का पर्दाफाश कर देंगे हम लोग एंड अपने को जाना है 00 कोऑर्डिनेट जो कि ये रहे लेट्स गो मैं पहुंच चुका हूं 00 कोऑर्डिनेट पर एग्जैक्ट मेरे को वाई लेवल वाला भी 0 करना है ओ नाइस मैं 00 पे खड़ा हूं बस मेरे को वाई लेवल वाला भी 0 करना है ओके नाइस बस मेरे को इधर अब नीचे माइन करते जाना है एंड मेरे को 00 कोऑर्डिनेट पर मेरे को मेरा सर्कल मिल जाएगा ये ऐसे लग रहा है ब्लॉक लगाए हुए हैं यस यस ओ लेट्स गो ब्रो फाइनली मेरे को मेरा सर्कल मिल चुका है लेट्स गो जल्दी 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 यहाँ से चलते हैं जो मैट्रिक्स ने हम लोग कोड दिए थे वो दिए थे 2000 एंड 2000 ओवरवर्ल्ड के तो हम अब सीधा ओवरवर्ल्ड से ही जाएंगे ए फ्यू मोमेंट्स लेटर और भाई क्या चल रहा है आजकल क्या चल रहा है कुछ नहीं और दीपा पीसी कब लेना ले पीसी जल्दी ही लेना फिर तो दीपा यार मस्त शेडर्स में 500 FPS RTX शेडर भाई मेरे कितने आते हैं 1 सेकंड शेडर्स में दिखाओ दिखाओ तुम के शेडर में 200-300 FPS देख के बताता हूं मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री वाले लगाऊंगा भाई लगा दिया भाई सुहा से तो भाई अभी भी मेरे को आ रहे हैं 150 आ रहे भाई 100 FPS आ रहे भाई दीपू भाई को आएंगे भाई ज्यादातर चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में ठीक है वेट वर्ड गाइस मैं मजे बचे में देखना ही भूल गया था मैं 2000 एंड 2000 कोऑर्डिनेट पर पहुंच गया और वेट वर्ड ओके 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 वेट 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 मैं पहुंच चुका हूँ ब्रो और ये क्या लिखा हुआ है 2000 यही सल्कर रख दे मैट्रिक्स 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 नाम वगैरह उसका कहीं पर भी नहीं दिख मैट्रिक्स को तूने देख लिया है किसी को बताना मत व्हाट